हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अजमन टी10 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर सेवन डिस्ट्रिक्ट वर्सेस डिफेंडर्स सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच के, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बुखातिर T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, ओडिशा T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही में और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, जैसे कि TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी चल रहा है और सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो सारी मैचेस है, वो सारी मैचेस की फाइनल मेरी अपडेट और फाइनल स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच किया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच रात को 12:30 पर ईडन गार्डन अजमन में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच रिपोर्ट यहाँ पर मतलब बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रनस यहाँ पर अच्छे बनते हैं, 100 के प्लस मैंने मेंशन किया और आपको आराम से यहाँ पर स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। अभी देखो ये जो टीम है यहाँ पर SVD, इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, जैसे कि फ्यूचर मैट्रेस जो कि दुबई का सबसे बड़ा क्लब है उसको हराया, इसके साथ साथ इन्होंने TVS को भी हराया जो कि काफ़ी मजबूत टीम है। तो ऐसे ऐसे बड़ी टीमों को हरा के आ रही है यहाँ पर SVD, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है और जीतने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर SVD को जा रहे हैं, 70-80% यहाँ पर SVD जीतनी चाहिए, तो हमारा फोकस भी यहाँ पर SVD के ऊपर ज़्यादा रहेगा। टोटल 21 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर खेली गई, जिसमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 11 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, मतलब कि अभी तक के आंकड़े इक्वली है। टॉस इतना कोई शायद मायने रखेगा नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस मुझे SVD के लग रहे हैं, बाकी मैच है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओपनिंग की बात करें तो रईस अहमद अयान के साथ यहाँ पर मोहम्मद इरफान ने ओपनिंग करवाया था लास्ट मैच के अंदर, जहाँ से रईस अहमद अयान ने लास्ट मैच के अंदर 34 रन की पारी खेली थी, मोहम्मद इरफान 0 पे आउट हो गए थे। देखो ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर रईस अहमद अयान का परफॉर्मेंस काफ़ी जबरदस्त रहा है, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की डिफॉल्ट पिक है। इसके साथ साथ आप लोग ऐसे मोहम्मद इरफान को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, हालांकि वो थोड़े से इनकन्सिस्टेंट जरूर रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन ओवरऑल ये प्लेयर जबरदस्त है, कभी भी बड़े परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि पहली मैच के अंदर 35 रन की पारी खेली, इसके बाद यहाँ पर एक बार विकेट निकाली, फिर यहाँ पर पहली चारों मैच के अंदर 2-2 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवाई, हालांकि लास्ट मैच के अंदर इन्होंने ओवर्स नहीं करवाई लेकिन वो बैटिंग से भी 0 पे आउट हो गए। फिर भी हम लोग एज अ प्लेयर तो लेके जाएंगे, जो लोग रिस्क ले सकते हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अताउर रहीम पूरे इनकन्सिस्टेंट रहे, लेकिन जब भी मौका मिलता है तब मौके को छोड़ते नहीं है, तीन बार बैटिंग करने का मौका मिला, जहाँ पर लास्ट मैच में वो 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन इसके पहले 2 बड़े परफॉर्मेंस दिए उन्होंने, 36 और 26। इनकन्सिस्टेंट जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस बड़े जरूर दे सकते, तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में जरूर ट्राई करिएगा। बाकी बात करिए पर मोहम्मद काशिफ थी, तो इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ओवरऑल ये प्लेयर जबरदस्त है, यहाँ पर T10 वगैरह में यहाँ पर 60-70 रन बनाने की काबिलियत रखता है, प्लस इससे भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। पहली दोनों मैच के अंदर उनको बैटिंग मिली नहीं और पिछली दोनों मैच के अंदर 1 और 0 रन किए। इसके पीछे का मेन रीज़न भी आपको बता दूँ कि ज़्यादातर ये मोहम्मद कासिम जो है वो यहाँ पर ओपनिंग में खेलता है और यहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, तो इसके लिए शायद ये दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पर इनको ओपनिंग करने का मौका मिला तो आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो 30-35 रन की पारी तो जरूर खेलेंगे, इससे भी ज़्यादा खेल सकते हैं। शहजाद अली की बात करें तो शहजाद अली इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो रिस्की रहेंगे, इनको GL में ट्राई करोगे। बाकी शागिर खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक, और चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी बात करूँ हम लोग यहाँ पर नबील अरशद की, तो पहली दोनों मैच के अंदर हमने वन साइडेड विनिंग किया नबील अरशद को लेके, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, एक बार फिर से हम लोग इनको लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे सबसे नीचे, तो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा से अब्दुल गफ्फार वेरी इंपॉर्टेंट पिक, और अभी के लिए ये प्लेयर भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस बनेगा। आपको बता दूं कि ये बैटिंग से भी 3rd-4th नंबर पर खेल चुके हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर, साथ में 3 बार 3-3 विकेट निकाल चुके हैं, भाई साहब जबरदस्त फॉर्म में यहाँ पर अब्दुल गफ्फार, डेफिनेटली हम लोग इनको लेके जाएंगे। इनके अलावा से वहाब हसन की बात करते हैं, जो कि शुरुआत इन्होंने जबरदस्त की लेकिन इसके बाद इनको खास कोई परफॉर्मेंस करने का मौका मिला नहीं, पिछले तीनों मैच के अंदर इनको ओवर्स करने का मौका मिला नहीं, बैटिंग तो वैसे भी आती नहीं इनकी, और इससे पहले एक
कोहस की गेंदबाजी की थी जहाँ पर वो विकेट ले रहे थे। तो अगर पिच टर्न लेगा तभी इनको बैटिंग मिलेगी, बाकी मतलब बॉलिंग मिलेगी, वरना फिर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है, रिस्की रहेंगे। हैदर अली जो कि सेकंड लास्ट मैच के अंदर हमारे वाइस कप्तान थे, और एक बार फिर से मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इस प्लेयर को आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। जिसान नसीर की बात करते हैं जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला, ओवरऑल ठीक ठाक प्लेयर है, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से जाना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डिफेंडर्स की बात करते हैं जो कि 5 मैच खेली है जहाँ से 1 मैच वो जीती है, 4 मैच हारी है। ओपनिंग में सनाउल हक भट्टी के साथ बाबर गजम्फर ने ओपनिंग करवाया। देखो बाबर गजम्फर का भी यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी वो काफ़ी नीचे आते हैं, कभी कभी ओपनिंग करवा लेते हैं लास्ट मैच के अंदर जैसे किया, कभी कभी तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ जाते हैं, तो इनको लेके जाना रिस्की है, आप लोग चाहो तो लेके जा सकते हैं। हालांकि आपके पास 2 चॉइस होने वाली है, बाबर गजम्फर या अब्दुल्ला अजहर, तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच का परफॉर्म किया आई थिंक यहाँ पर टीम अगली मैच के अंदर भी इनसे ओपनिंग करवा सकती है बाबर गजम्फर से, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। सनाउल हक भट्टी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको तो डेफिनेटली लेके जाना है। सलमान बाबर ने भी लास्ट मैच के अंदर 30 रन किए, लेकिन ये भी थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, हालांकि ये बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन वो ज़्यादातर करवाते नहीं है, तो इनको भी आई थिंक मैं रिस्की मानता हूँ, क्योंकि अगली मैच के अंदर वो बैटिंग से कौन से नंबर पर आएंगे वो कुछ कह नहीं सकते, बाकी ज़्यादा ओवर्स भी नहीं करवा रहे, तो ये भी ऐसे रिस्क लेना चाहो तभी ट्राई करेगा इनको भी आप लोग। बाकी यहाँ पर सुलेमान खालिद ओके ओके रहेंगे, इनको ग्रैंडलिंग में ट्राई करोगे। इनके अलावा इसे बात करें रोहित बंगस की, तो रोहित बंगस लास्ट मैच के अंदर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रहा, जहाँ पर उन्होंने 1 साइड विनिंग करवाया हमें 3 विकेट निकाल के, कल रात की बात है, हम लोगों ने जमकर विनिंग की, और एक बार फिर से भी हम लोग इनको लेके जा सकते हैं, पर रोहित बंगस को एक बार फिर से लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे सज्जाद मलुक डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, क्योंकि थोड़े से इनकंसिस्टेंट जरूर है लेकिन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी शाकिब मंशत की बात करो तो लास्ट मैच के यानी कल नाइट की बात करो तो हमारे वाइस कप्तान थे, जहाँ पर इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, और आगे भी मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कप्तान करना चाहो तो भी कर सकते हैं। शहबाज अली जो कि लास्ट मैच के अंदर हमारे कप्तान थे, और ये प्लेयर भी हमारे लिए आगे भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। लास्ट मैच हमने पूरा 1 साइडेड विनिंग किया है, और वही आप लोग के आप लोग का साथ रहा तो ऐसे ही रिजल्ट हमको मिलते रहेंगे। उमर डागर पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, तो भरोसा कर सकते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजे, डेथ ओवर्स वगैरह में आ सकता है। फरहान अहमद ने शुरुआत अच्छी की है, ओवर्स निकाल के मतलब पहली तीनों मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाई, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, फिर भी आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। इनके अलावा देखो बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक से इसलिए क्योंकि हमारे नाम से ना बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो, इसके लिए आप लोग लिंक से ही ज्वाइन होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ओरिजिनल चैनल मिलेगी। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम किस तरह से रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सनाउल हक भट्टी को लिया, यहाँ पर आप लोग जो लोग रिस्की खेल सकते हैं इनको यहाँ पर मोहम्मद काशिफ को लेना है, क्योंकि अगर ये बंदा टॉप में खेला मतलब ओपनिंग करवाई तो पक्का यहाँ पर कुछ बड़ी पारी खेल सकता है। ऑलराउंडर बैटिंग सेक्शन से ओनली वन यहाँ पर अब्दुल गफ्फार हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी किसी प्लेयर को लेके जाना काफ़ी रिस्की है। आप लोग बाबर गजम्फर और अताउर रहीम को लेंगे, जो लोग हम लोग अदर एप्लीकेशन में खेलते हैं, तो अदर एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर बाबर गजम्फर और यहाँ पर इसको लेंगे अताउर रहीम को। इनके अलावा ऐसे ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद इरफान है, इनके अलावा ऐसे रईस अहमद अयान है, इनके साथ यहाँ पर उमर डॉगर है, इनके साथ यहाँ पर शाहबाज अली है, और यहाँ पर नबील अरशद को मैंने लिया है। यहाँ पर नबील अरशद को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से उमर डॉगर को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हैदर अली, इनके साथ चाहते हैं मोहम्मद शाकिर खान, इनके साथ चाहते से आर बंगस, और यहाँ पर शाकिब मंशद हमारी टीम के अंदर रहेंगे। टीम की बात करें तो टीम के कप्तान रहेंगे हमारे यहाँ से रईस अहमद अयान, और वाइस कैप्टन रहेंगे एस अली, मतलब यहाँ से शाहबाज अली को हमने वाइस कैप्टनशिप दी हुई है। इनके अलावा 2-3 ऑप्शन है, एक यहाँ पर शाकिब मंशद है, हैदर अली है, और इन दोनों ही प्लेयर को मैंने इससे पहले भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं इन दोनों को वापस सजेस्ट कर सकता हूँ। और एक है यहाँ पर अब्दुल गफ्फार, इनको आप लोग कैप्टन भी कर सकते हो, वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी टीम को किस तरह से रहेगी याद रहे, जो टीम है ये डेमो है,
फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो वही आपको करना है, बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।